कितने दिनों का पता है आपको? ये 5 साल की पूरी तपस्या है और मैंने लगभग 550 किताब पे सिग्नेचर कर दिया है जो हमारे प्रकाशक के द्वारा भेजा जाएगा उन सबको, जिन लोगों के लिए, जिन लोगों ने प्री बुकिंग कराई है। ये देखिए पत्रकारिता का काला अध्याय, लगभग 4-5 साल की तपस्या है और ये 217 पेजेस की बुक है। और ये जो है आज इतना एक्साइटमेंट देखो कि इसे जब अपने जब इस फॉर्म में किताब के रूप में देख करके बहुत अच्छा लगा और लगा कि तपस्या है सही मायने में और पूरी पत्रकारिता के 20 साल का एक काला अध्याय है कि किस तरह से शाख के पेशे को कलंक का पेशा बनाया गया है। अब पाठक इसे पढ़ेंगे, अब खुद से मैं क्या बताऊं, पाठक जब इसे पढ़ेंगे और उसके बाद करीब उसमें 87 बुक है और लगभग 500 किताबें मैंने जो है ना अपने व्यूवर्स के लिए, अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं मनीष ठाकुर शो के, द व्यूज मीडिया के, उन सब के लिए हमने उनके आग्रह पे हमने सबको सिग्नेचर करके स्वहस्ताक्षर किताब जो है वो कपूत प्रकाशक को दे दी है जिससे वो पाठकों को भेजेंगे। वो जिन लोगों ने बुक कराई है किताब बहुत जल्द उन सबको मिलने वाली है। रियाज अपनी लाइब्रेरी में अपनी किताब रखने का जो सुकून है, अब तक दूसरों की किताबें मैंने रखी है, अलग अलग पाठक हैं मेरे मित्र संदीप की कई किताबें हैं इसमें और मित्रों की किताब रही, कई लोगों की रही, आज पहली बार अपने बुक सेल्फ में अपनी किताब रखते हुए सचमुच सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। और मेरी पाठक को मुझे लगता है कि इतने दिनों का लगभग 2000 से लेकर के सन 2000 में जब से टेलीविजन 24 घंटे का चैनल शुरू हुआ तब से लेकर 2020 तक की पत्रकारिता का पूरा काला अध्याय कि किस तरह से साख के पेशे को बेईमानी का धंधा बनाया गया, भारत के खिलाफ षड्यंत्र का धंधा बनाया गया। कुछ लोगों ने सबके सब नहीं लेकिन एक बड़े पैमाने पर जिन लोगों के पास ये पत्रकारिता का की जिम्मेदारी थी, जो साख के पेशे की जो जिम्मेदारी थी, अब उसे कुछ को ही रहने दीजिए अभी फिलहाल, उनके क्या किया ये अपने आप में। अगर सबसे सुकून की बात यह है कि अब तक जो है दूसरे की किताबें मेरी लाइब्रेरी में, अब जो है अपनी लिखी किताब है लेकिन अपनों पे क्या कहा जाए, जब पाठक इसको पढ़ेंगे और इसे भी बेस्ट सेलर बनाएंगे तो असली सुकून जो है सही मायने में मुझे तभी मिलेगी।